तो प्यारे दोस्तों सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अर्ज़, मैं हूं आपका मेजबान, आपका होस्ट, आपका एंटरटेनर, यूनिक आर्टिस्ट रजी। दोस्तों हम मौजूद हैं आज एक ऐसे गांव में जो हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हां, शहर शाहजहांपुर। जी हां, शहर शाहजहांपुर में ग्राम भटपुरा रसूलपुर सिंधौली जो कि काफी ज्यादा चर्चा का विषय में आया हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं यहां पर के जो प्रधान हैं अनिल गुप्ता जी, जिन्होंने मात्र 3.5 साल के कार्यकाल में अपने गाँव का नाम बुलंदियों तक पहुँचा दिया और यहाँ पर उन्होंने इतना ज्यादा कार्य कराया कि लोगों की जुबान पर इस गांव का नाम बसा हुआ है और पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बना हुआ है। आप सामने जो देख रहे हैं, जी हाँ, श्री राम जानकी द्वार। जी हाँ, यही गेट है, यहीं से रास्ता है हम अंदर जाएंगे गांव के लिए। और आपको एक बात और बता दें, हमारे अनिल गुप्ता जी को देश के प्रधानमंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी सम्मानित किया है उनके कार्य को देखकर। तो चलिए चलते हैं उनके गांव के अंदर और देखते हैं कि आखिर क्या क्या कार्य किए हैं। जी हाँ, ग्राम भटपुरा रसूलपुर सिंधौली, याद रखिएगा। आइए दिखाते हैं आपको और मिलते हैं अनिल गुप्ता प्रधान से। तो दोस्तों मैंने कहा था कि चलिए चलते हैं ग्राम भटपुरा रसूलपुर सिंधौली अनिल प्रधान जी के यहाँ। तो आज मैं वहाँ पर पहुँच चुका हूँ और उनसे चलिए जानते हैं कि आखिर उन्होंने गांव में क्या क्या किया है जो पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे देश में। चलिए मिलाते हैं आपको अनिल प्रधान। तो चलिए हम आपको लेकर आ गए हैं अनिल प्रधान जी के यहाँ और ग्राम भटपुरा रसूलपुर, जी हाँ, सिंधौली। तो हमारे बीच मौजूद हैं अनिल गुप्ता जी। तो सर आपका बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और हम चाहते हैं कि, हमने बड़ा नाम सुना है कि गांव में आपने बहुत सारे कार्य किए हैं जो चर्चा का विषय बने हुए पूरे हिंदुस्तान में, हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर आपने क्या क्या यहाँ पर करवा रखा है। हमारी ग्राम पंचायत भटपुरा रसूलपुर, जी, शहीदों की नगरी जनपद शाहजहांपुर की एक मॉडल ग्राम पंचायत है जी। और हमारे सभी ग्रामवासियों ने जब हमको चुना तो हमारा भी उत्तरदायित्व है कि हम उनको कुछ ऐसा करके दें जिससे हमारी ग्राम पंचायत का नाम प्रदेश और पूरे देश में फैले, सभी इसको देखें। इसी को देखते हुए अपनी जनता के पूरे सहयोग से हमारी ग्राम पंचायत विकास कार्यों को कर रही है। जैसा आप देख ही रहे हैं कि ग्राम पंचायत में 54 रास्ते हैं जिनका ग्राम पंचायत ने नामकरण किया हुआ है। अब आपको बताना चाहते हैं कि जैसे किसी ग्राम पंचायत में रास्ते हैं, उनका यदि हम नामकरण करते हैं, उनका नाम रखते हैं, तो कितनी सुंदर बात है और इसमें कोई खर्चा नहीं आता है। अधिकतर हर व्यक्ति धन लाभ की बात करने लगता है, तो इसमें आप बताएं कि क्या पैसे का खर्चा आया। और कितनी सुंदर बात है कि हमारी ग्राम पंचायत में अशफाक उल्ला खां मार्ग, ठाकुर रोशन सिंह मार्ग, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल मार्ग, अब्दुल कलाम मार्ग, महाराणा प्रताप मार्ग, पृथ्वीराज चौहान मार्ग, रानी लक्ष्मीबाई मार्ग जैसे नाम हैं। कितना सुंदर लगता है, बच्चे देखते हैं महापुरुषों के नाम और इनके बारे में जानने के लिए उनके अंदर एक उत्सुकता आती है। और हमारे गांव के भी जो अच्छे बड़े बुजुर्ग हुए हैं जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, उनका नाम पढ़ के उनका नाम रोशन होता है, सब जानते हैं उनके बारे में। 54 रास्ते हमारी ग्राम पंचायत के रंगीन इंटरलॉकिंग से बने हुए हैं, साथ में दोनों साइडों में रास्तों के नाली हैं और नाली में सिल्ट कैचर की व्यवस्था की गई है। सिल्ट कैचर एक गड्ढा होता है जो सिल्ट को पकड़ लेता है, इसीलिए उसका नाम सिल्ट कैचर है। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि पूरे जनपद में इस समय छुट्टा जानवरों को लेकर बहुत बड़ी समस्या है, पर हमारी ग्राम पंचायत में यह समस्या बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर ग्राम पंचायत ने मिनी गौशालाओं का निर्माण कराया हुआ है। ग्राम पंचायत में ही छोटे छोटे मिनी गौशाला कैटल सेट बने हैं
जिसमें सभी गाय रहती हैं। और इसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो हमारी ग्राम पंचायत में प्राथमिक विद्यालय, संविलियन विद्यालय, जेपी पब्लिक स्कूल बहुत ही मेहनत व लगन के साथ काम कर रहे हैं। जेपी पब्लिक स्कूल में तो 40 अध्यापिका शहर से पढ़ाने आती हैं और 105 गांव से बच्चे हमारी ग्राम पंचायत में पढ़ने के लिए आते हैं। सर, एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि आपने मात्र 3.5 साल के मतलब टाइम में ये सब कर दिखाया है। हमारी ग्राम पंचायत को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत लगातार दोनों बार पुरस्कार दिया, जिसमें 11 लाख रुपए की एक धनराशि, इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी धनराशि बढ़ा दी कि 30 लाख रुपए मिले हैं। इसके अलावा हमारी निधि में भी अच्छा पैसा आता है, क्योंकि बड़ी आबादी है, 5000 से ऊपर ग्राम पंचायत की आबादी है। और हमने मनरेगा योजना में भी बहुत कार्य किया है, जिसमें हम 60-40 के रेशियो से कार्य करते हैं। जब हम 60 लाख रुपए का यदि कच्चा कार्य कराते हैं तो 40 लाख का हमको पक्का भी कराने को मिल जाता है। इस प्रकार से हमारी ग्राम पंचायत ने अन्नपूर्णा भवन, खेल मैदान, मिनी स्टेडियम, 3 सेल्फी पॉइंट और इसके साथ साथ RRC सेंटर और बहुत से कार्य कर लिए हैं। और ओपन जिम पार्क अभी जल्द ही बनाया, जिसका माननीय मंत्री जी ने उद्घाटन किया है। और इसके साथ साथ 54 रास्ते, उनकी नाली, विद्यालयों का कायाकल्प आदि आदि बहुत सारे काम कराए हैं। और हमारी ग्राम पंचायत सरकार की सभी योजनाओं को पूरी ईमानदारी से धरातल पर उतार रही है। पेंशन की बात करें तो वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा महिला को पेंशन, प्रधानमंत्री जी की एक योजना है जिसमें किसानों को किसान सम्मान निधि मिलती है, वो योजना, सारी योजनाएं, राशन की योजना, आवास की योजना, शौचालय की योजना, सारी पूरी तरीके से धरातल पर उतारी जा रही। इसके साथ साथ ग्राम पंचायत अपनी तरफ से भी बुजुर्ग सम्मान योजना, स्वच्छता अभियान योजना, बच्चों को शिक्षा में जो हमारे प्राथमिक विद्यालय में टॉप आ रहा है उसे प्रतिवर्ष एक नई साइकिल देना, जिसके घर के बाहर पूरा चबूतरा हर समय साफ रहता है, स्वच्छता जो व्यक्ति ध्यान देता है उसे नगद 1100 रुपए देकर सम्मानित करना, बुजुर्गों को कंबल, टार्च, छड़ी आदि देकर सम्मानित करना, विधवा महिला की कन्या की शादी में अपनी ओर से 11000 रुपए नगद वस्त्र आदि देकर उसकी मदद करना, जिससे उस महिला को लगे कि हाँ, ग्राम पंचायत हमारे साथ दुख की घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। ऐसे कई योजनाएं हमारी ग्राम पंचायत चला रही है। और यही सब देखते हुए, जैसे आप देख रहे हैं कि जमुना वाटिका का निर्माण, जिसमें गांव के सारे बुजुर्ग बैठ सकें, इत्मीनान से पेपर पढ़ें, किताबें हैं, पुस्तकालय की व्यवस्था है, सारी योजनाओं को पूरी तरीके से धरातल पर उतारने के कारण ही हमारी ग्राम पंचायत आज पूरे जनपद में, पूरे प्रदेश में मशहूर है और एक मॉडल ग्राम पंचायत के नाम से भटपुरा रसूलपुर को जाना जा रहा है। तो बड़ा अच्छा लगा सर, आपने पूरी जानकारी हमको यहाँ पर बताई। और एक आखिरी सवाल, बहुत छोटा सा जवाब आपसे चाहेंगे, कितना खुश हैं गांव के लोग, आपके गांव का नाम इतनी बड़ी चर्चा में गया, लोगों के जुबान पर आया, तो यहाँ के लोग क्या कहते हैं इस बारे में? हमारे ग्रामवासी बहुत ही खुश हैं और जितनी भी व्यवस्थाएं हैं आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल पलायन हमारी ग्राम पंचायत से रुक गया है। यहाँ शिक्षा की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, रास्तों की व्यवस्था, हमारे पास लखनऊ तक से मैसेज आते हैं, प्रधान जी इतनी सुंदर रंगीन रंगीन रास्ते आप देख रहे हैं। शहर में पानी की भराव की बड़ी समस्या, हमारे यहाँ 54 रास्तों पे कहीं जल भराव की समस्या नहीं है। जब भारी बारिश होती है, हमारे पास 26 तालाब हैं जिनमें नालियों का पानी चला जाता है, जिनमें हमने फिल्टर चैम्बर भी बनवा रहे हैं जिससे साफ पानी एकत्रित हो और अच्छे से हमारे यहाँ पे जल संचयन की भी व्यवस्था हो सके। तो चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सारी जानकारी दी और दर्शकों, सुना आपने, अगर आप मेहनत करें तो बहुत कुछ पा सकते हैं, जिस तरीके से प्रधान अनिल गुप्ता जी ने ग्राम भटपुरा रसूलपुर के लिए किया और जो लोगों के लिए हमेशा एक चर्चा का विषय बन गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।